हेलो भाई, मैं हूं। आपने लास्ट वीडियो में देखा हमारा डीजे सेटअप तो पूरा हो चुका है भाई, म्यूजिक सिस्टम वाला। अभी बारी है जो हम अपना कंप्यूटर लेके आए थे उसको यहाँ पे सेटअप करने की। तो इसमें था मॉनिटर, हमने चेक करके देखा इसलिए खुला पड़ा है। इसमें हमारा केस जिससे बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसको भी निकालते हैं। यहाँ पे यूपीएस है, यहाँ पे अपना ये बड़ा है कीबोर्ड माउस, सबको जमा देंगे यहाँ पे। वो अपने काम की चीज़ें नहीं है, वो एलईडी जैसी टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ किसी काम के लिए। और इसमें और भी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे लेके आनी थी, जैसे कि हमारे ये होम थिएटर दो वेस्ट पड़े थे घर पे, तो मैं इनको भी उठा लाया हूँ। एक क्रिएटिव का है और एक सर्कल का है, काफ़ी पुराने हैं भाई, इनको करीबन हो गए 4-5 साल दोनों को ही, उसको और भी ज़्यादा हो गए, अभी तक भी मस्त बज रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये गाड़ी है जो मैं रखता था घर पे, तो घर पे ओवर हो रहा था ये सारा सामान, तो यहाँ पे रखने के लिए ले आया कि भाई थोड़ा सा अच्छा लगेगा खूबसूरत देखने में। तो इन सबको जमाते हैं भाई निकाल के, फिर आपको पूरा कंप्यूटर सेटअप रेडी करके दिखाता हूँ भाई कितना मस्त है। और उन्होंने मतलब क्या एक थोड़ा सा ऐसे क्या बोलूँ मैं, विंडोज़ के इतने पैसे लिए और उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें करके ही नहीं दी थी जो हमको यहाँ पे पसना पड़ा था बहुत देर उनको करने के लिए। तो वहाँ पे क्या क्या चलता है ये भी मैं आपको बात बताऊँगा, तो सभी चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं। क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? चल रहा भाई सामान यहाँ पे, क्या करने जा रहे हो तुम? अरे कंप्यूटर सेटअप कर लेते हैं, देखो टीवी का कदम मस्त सेटअप हुआ है। अब एक बार पीछे दिखाओ भाई, ये देखो भाई, लग रहा है जबरदस्त टीवी का सेटअप। ये मैंने भाई आपको लास्ट टाइम दिखाया था ना कि टेम्पररी में भी इनको कर रहा हूँ, अब देखो आप, पता चल रहा है जितनी ताम जाम था वायरिंग वगैरह सब गायब, सारे तार गायब, सब गए अंडरग्राउंड, सेटअप हो गया भाई, इतना मजा आता है सुनने में है। अच्छा अरुण, तुम ये तार तो नहीं छुपा पाए, ये जो सामने दिख रहा है ये वाले भी छुप जाएंगे आप थोड़ा, गाड़ी से छुपाओगे तुम? अरे हमारे से छुपाओगे तुम? हमेश है ये? अच्छा हमेश है, देखो कितना हमेश है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे है पोर्श, ठीक है। चलो अब हम सेटअप करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारी ये कंप्यूटर टेबल इस पे सामान जमा, इसको अनबॉक्स तो करो भाई पहले, ये तो अभी पे की पढ़ाई है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। और ये क्या, इससे पहले ये तुम्हारा टूट गया मोनू भाई, ये क्या चल रहा है? आप खाना खा रहे क्या? आपने तोड़ा है, कहाँ गया वो? लगा दिया मैंने, तोड़ा है ये, और क्या ऐसा है ये, इस पे से ये ऐसे लग जाता है भाई, तूने क्या करा है, हो जाता है ऐसे। अच्छा अच्छा ठीक है लगाओ, तो लगाओ तो ये फिर ऐसे लग जाएगा। ओ भाई तेरा करी दियो खराब, ठीक है हट जा भाई, देखो हट जा, इसने कंप्यूटर टेबल एक दिन हुआ नहीं है, इसने कंप्यूटर टेबल का एक खराब कर दिया है, कैसे ना आप डांटेगा ये। चलो भाई करो अनबॉक्स, दोबारा चिपकाई दी भाई, वैसे इसमें ये शॉट लेने के लिए दोबारा से ये चिपकाई गई है। हटा दिया गया है और इस पे कपड़ा मार देते हैं एक बार ना, इस पे क्या धूल सा, अरे वो ट्रक में गिर गया था, इस पे धूल, हाँ यार ट्रक में थोड़ा बहुत स्क्रेच वगैरह पड़ गए सामान पे। चलो कपड़ा वपड़ा मार देते इसके ऊपर पहले, देख लो भाई यादव बैंड द सीन्स, अरे टीप है क्या, चलो रहन दो भाई, उगड़ा उगड़ा आया है सारा, खुला पड़ा है पहले ही हमने, कोई नहीं तो खोल देना थोड़ा सा वाह, जल्दी उखाड़, अब जल्दी रख दे, बहुत देर हो गई यार, अब बहुत दिन हो गए जमाते। निकालो भाई ये डीप कूल का, ये 6700 रुपीस का हमको पड़ा है कैबिनेट भाई। नेहरू प्लेस इतनी बड़ी मार्केट है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां से किस शॉप से हमको अपना सारा सामान लेना है, मतलब प्राइस ऐसे कि भाई इस दुकान में कुछ और उस दुकान में कुछ और, हाँ बहुत फ्लक्चुएशन है भाई, भाई वहां मत जाओ, अगर जाओ भी तो किसी नॉलेज वाले बंदे को ले। और देखो एक और मैं बात बता दूं, हम जिस दुकान पे गए थे ना उनका फिक्स प्राइस था, एकदम फिक्स था, लेकिन जो बाकी दुकान थे ना वो कहते थे अरे भाई बताओ आप बताओ ना कितने में लोगे, आप बताओ कितने में लोगे। अब समझ नहीं आता वहाँ पे भाई क्या चलता है क्या नहीं चलता है, आपको बहुत ध्यान से चुननी पड़ती है दुकान भाई। ये है हमारा कैबिनेट, डीप कूल, डीप कूल का कैबिनेट, बहुत मस्त लगता है जलता हुआ। दो टीबी हार्ड डिस्क है, 3 GB रैम है और 12 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, i7 12700 के, और मदरबोर्ड है वाईफाई और ब्लूटूथ वाला, मतलब इसमें अपने आप वाईफाई और ब्लूटूथ सब कुछ चलता है। और ये ऐसे ऐसे लगेगा, लगाओ फिर भाई, यहाँ पे मत रखो, बेड पे रखने की जगह नहीं है। 3060 एनवीडिया का इसमें RTX ग्राफिक कार्ड है जो कि 31,000 रुपए का है नेहरू प्लेस मार्केट में भाई, ऐसे रखियो जो मस्त दिखे, है ना। और भाई अभी ना हमारी टेबल थोड़ी छोटी है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एक और टेबल आनी है, वो रहती है ना साइड वाली जो पूरा ऐसे रहती है, तो उस पे ये सारा सामान जाएगा, तो ये पीछे साइड रहेगा ये वाला हिस्सा, तभी तो इधर से लाइट दिखेगी ब्रो, और ये इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा, अरे तो दीवार के साइड चला जाएगा। सेल्फिश हमको तो, मेरे को तो ये भद्दा सा पार्ट दिखेगा, व्हेन आई विल बी वर्किंग, अगर मान ले मैं इसको ऐसे रख देता हूं हां, तो
सही बात है, है? नहीं पर ज्यादा ज्यादा गिर रहा है। चल ऐसे ही ठीक है यार, बड़ा अच्छा लगेगा। अब इसको टच करो, हाँ दीवार से टेबल को टच कर दो ब्रो, टच करियो कर ले भाई। ये भी ओ, ये ख्यालों में खो जाता है तुरंत ही। ये तो ले हो गया ना, अब सेट है। उधर साइड नहीं है ना इसमें कुछ भी, ना उस साइड कुछ भी ना है। क्या है, वाइट वाइट है ना, ना वाइट वाइट वो है एल्युमिनियम की प्लेट। हाँ फिट ट्रांसपेरेंट ना भाई, ये फिर ज्यादा स्पेस घेरेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ आ जाएगा अपना मॉनिटर भाई। अब मैं स्पेशल चीज एक और अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। अब बहुत दिन से ये लोग मेरे से बोलने लग रहे थे, अरुण भाई तुम इसमें क्या मंगा लिया, इतने दिन से खटक रहा है हमारा। ये देख ये भाई इसके अंदर ये है, तू पहचान क्या है, ये पहचानो क्या है ये भाई। मैं अब देश घूमने वाला हूँ, हर देश घूमूंगा, तो उसके लिए मैंने मंगवाया है वर्ल्ड मैप। ओ वर्ल्ड मैप, हाँ। अच्छा ये कहाँ लगाएगा तू, अब देखिए तू बता कहाँ पे लगाऊ, इस दीवार पे लगा तू। हाँ यहाँ लगा दे, पक्का मस्त लगेगा देख। अच्छा जी, ये देख कनाडा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, अरे भाई मस्त लग रहा हो ना, मस्त है। और इंडिया भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इसके लिए होता है, अब पता है। अरे वो माउस वाउस पे अनकंफर्टेबल हो जाता है ना काम करना। अच्छा तो ये ऐसे रहता है इसके लिए, इससे बोलते हैं डेस्क टेबल क्लोथ कुछ बोलते हैं। देख जम रहा है नहीं जम रहा बता, आउच। ये देख अब बता हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं यहाँ पे ये पीछे से ऐसे लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए कुछ इस तरीके से लग जाता है। और अब आप क्या बता रहे थे, जो हमको इसमें से डिस्प्ले का वो देना पड़ता है, वो कहाँ से देना पड़ता है? वो ग्राफिक कार्ड से। हाँ, बाकी सारा चीज उससे होता है, मदरबोर्ड से। हाँ, लेकिन जो डिस्प्ले होती है उसको हमको ग्राफिक कार्ड से, क्योंकि अब हमारी बारी है डिस्प्ले को खोलने की। और जो हमारी डिस्प्ले भाई वो 4K है। हाँ। और 60 Hz के साथ, 120 नहीं लिया मैंने, फालतू इतने बड़े गेमर नहीं हम लोग, तो हमने कहा 4K दे दो आप। ये 32 इंच कर्व्ड मॉनिटर भाई, कर्व्ड पे काम करने में ना अलग ही स्वाद आता है, एकदम मस्त वाला। अभी थोड़ी छोटी लग रही है डेस्क, क्योंकि मैं भी मैक से भी काम किया करूंगा ना, तो थोड़ा सा ऐसे बड़ी डेस्क चाहिए भाई, उसको कहाँ पे रखूंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा साइड टेबल का भी मैंने ऑर्डर दे दिया है, वो भी व्हाइट कलर की ऐसी बन के आ जाएगी मस्त वाली मॉनिटर। हाँ तो इसको करो अरेंज कैसे करते हैं, इसमें से वायर निकालियो, इसमें ना वायर का दे रखा है देख। भाई हमारा सारा ना ऐसे देसी जुगाड़ है, ठीक है तो डोंट माइंड, ये सब चलता रहता है यहाँ। यहाँ वैसे डिब्बा बंद हो गया, अब देखो भाई कितना प्रोफेशनल काम लग रहा है, खड़ा होगा ट्रायंगल से पे। इधर आए भाई, प्रोफेशनल बंदा है। हाँ दिखनी नहीं चाहिए वायरिंग, अब वायरिंग नहीं दिखाते लोगों को। भाई आप बताना हमारा ऑफिस आपको रफली लग रहा है, कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं दिखता, इसमें लगा दो पावर भी इसी में लगा दो। आप भी ना क्या डीपी इन में लगा रहे हो यार, अबे भाई लग गया। ये भाई लीजेंड 650 इसका तार भी नहीं पहुंच पा रहा बोर्ड तक, इतना छोटा वायर यार। अब इसमें स्टैंडर लगाओ यार। अब फाइनल सेटअप तैयार हो गया भाई, देखो दो स्पीकर यहाँ पे हैं, एक बेस यहाँ पे, एक स्पीकर यहाँ पे, एक स्पीकर यहाँ पे, अब यहाँ पे बढ़िया तरह पड़ा है, सो रहा है, और एक यहाँ पे। काफी मेहनत करने के बाद भाई हमने अपना सेटअप कर लिया कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए भाई कितना प्रीमियम लगता है भाई, ये कर्व्ड मॉनिटर मतलब चार चांद लगा देता है सेटअप में। और हमने कुछ इस तरीके से रखा है अपना ये वाला पीसी भाई, ये देखो इस तरीके से अभी मैं ऑन करके दिखाऊंगा, आप देखना कितना जबरदस्त लगता है। अब यार एक गलती हो गई, हमने हॉल करवा दिया यहाँ पे, क्योंकि जब फर्नीचर लेने गए थे ना तो इतना ध्यान ही हमको यहाँ पे कहीं करवाना चाहिए था, तो ये वायर भी छिप जाती है, यहीं खींच ली जाती, पर चलो कोई नहीं, इतना तो भाई देखो दिख जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये देखो भाई यहाँ पे देखिए भाई कुछ इस तरीके का नजर आता है अपना पूरा का पूरा सेटअप, जहाँ पे मैं अपना भाई है काम करने वाला है। आपका नाम बताइए भाई सबसे पहले। यस कांत कुमावत। आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्या क्या आप जानते हो सॉफ्टवेयर में बताओ? मैं वीडियो एडिटर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ। कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप? वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर, फाइनल कट प्रो, एडोबी ऑडिशन, आफ्टर इफेक्ट, ग्राफिक डिजाइन में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, रिकॉर्डर। वेरी नाइस। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोगों ने ये अरेंज किया है। तो ये देखो भाई यहाँ पे हमने रखा है माइक्रोटेक का UPS भाई, ये छोटी पड़ रही थी ना केवल, तो हमको एक्सटेंडर एक लाना पड़ा दुकान पे से, तो हम लोग वो ले आए हैं। ये अपना रखा है देखे पीछे, और हमने सारा कनेक्शन इसमें दे दिया, लाइट भी अपनी आ गई है, लाइट आते ही और ज्यादा लाइट्स इसके अंदर जल जाती हैं, और ये इन्वर्टर पे भी चल जाता है हमारा पूरा सिस्टम, क्योंकि डुअल बैटरी का इन्वर्टर है, तो यहाँ से आराम से चल जाता है। UPS का 5 मिनट इसका बैकअप है। और यहाँ पे सर्कल का जो पुराने वाले मेरे पे बहुत पुराने पड़े थे भाई, ये अपना स्पीकर वगैरह, तो ये भी मैंने इसमें लगा दिए भाई, बहुत तगड़ी आवाज है इनकी भी। एक तो कमरा बंद पर नीचे आ गई है तो बढ़िया बेस वगैरह प्रोड्यूस कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए भाई, अब मैं ऑन करने वाला हूँ अपने पूरे सिस्टम को, ये अपना वायरलेस। देखो भाई बहुत भाई थे जो वो कंप्यूटर वाली वीडियो में कह रहे थे कि भाई थोड़ा हाई एंड बनवाया, तो उसके हिसाब से SSD ऐड करवानी थी,
भाई इसने 512 जीबी की एसएसडी में लगवाई है, वो तो मैं भी रिग्रेट कर रहा हूँ कि 1 GB कम से कम लगवानी चाहिए थी, पर चलो कोई नहीं भाई, ये तो ऐसा सिस्टम है। इसको अब ना हमने जैसे ये बनवाया भाई 1,34,000 रुपए का, इसको आप 10 लाख 5 लाख 8 लाख तक का भी बनवा सकते हो, वो तो भाई जितना पैसा डालते जाओ अपना मिल जाएगा, लेकिन जितनी हमको जरूरत है ना उसके हिसाब से भाई देखो हमारे लिए बढ़िया है ये कर्व मॉनिटर मेरे को चाहिए था, क्योंकि अगर मैं फ्लैट लेता ना तो फ्लैट के लिए तो भाई देखो टीवी भी है, टीवी में ही ना देख लेंगे हम, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस ये था कि भाई अगर हम पीसी यूज कर रहे हैं तो उसको लेकर भाषण बहुत हो गए हैं। अब मेरे को जस्ट ये ऑन करना है, यहाँ से मैंने ऑन करा, इसमें लाइट आ गई है हमारे यूपीएस में, यहाँ से जस्ट मेरे को बटन दबा देना है, ये देखो ये, अरे सॉरी ये तो बंद हो गया हाँ हो गया ना, अब ऑन हो गया, अब देखना अब चलेगा भाई। और यहाँ पे अभी मैं आपको बटन दबा के दिखाने से पहले, बहुत भाई ये भी कह रहे थे कि भाई ये 1250 वाला आपने बड़ा ही नकली चीप और लोकल ले लिया है इस सेटअप के हिसाब से, तो यस भाई आई एग्री विद यू, इनको हम चेंज करेंगे क्योंकि इतने कंफर्टेबल हमको लगे नहीं, इनकी नॉलेज हमको बिल्कुल भी नहीं थी, तो अब थोड़ा मैकेनिकल वगैरह हम देखेंगे जो मैंने ज़्यादा देखा है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे भाई ये करने वाला हूँ ऑन, और ये देखो भाई साहब हमारा सेटअप, आप इसमें देखो कितनी सारी 8 GB लाइट्स हैं, ऐसा दिखता है कुछ ये भाई, मजा आ जाता है इसको देख के ना। अभी थोड़ी वायरिंग वगैरह फैली हुई है, उसका बस वायरिंग पता है छिप जाएगी जब हम यहाँ पे साइड टेबल का नाप दे देंगे ना मोनू भाई को, तो वो एक साइड टेबल बन जाएगी तो सारा कुछ छिप जाएगा। अभी देखो भाई कितना जबरदस्त लगता है, 4K मोनिटर 60Hz वाला, बड़ा शानदार नजर आता है भाई साहब, और वाइट सेटअप में पता है वाइट कीबोर्ड माउस क्यों ढूंढ रहा था अगर आपने वो वीडियो देखी हो, देखो कितना फास्ट है, क्योंकि भाई इसके सेटअप के साथ थोड़ा जम जाता, तो ऑनलाइन देखूंगा अगर कोई ढंग की कंपनी का मिल जाता है, रोपो मोपो तो वहां भी मिल रहे थे पता नहीं नकली नकली, लेकिन अपने को चाहिए था भाई साहब एकदम मस्त वाला, देखना भाई मस्त, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, वहां पे जाइए यश वहां पे बैठा, अगर कोई जैसे भाई भाई आ जाता है बैठने के लिए तो अपना देखो ऐसे बात भी कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे करा है। और भाई क्या लोगे, चाय कॉफी ठंडा पानी सब बढ़िया, घर परिवार सब मौज में है। ये देखो भाई अब मैं ना हमारे यहाँ पे एक और चीज है, फोन मैं यूज कर रहा हूँ एज ए हॉटस्पॉट, इसमें मेरा अनलिमिटेड नेट है भाई, ये वोडाफोन पोस्टपेड है ना, तो अनलिमिटेड 700 रुपए मेरे ख्याल से मिलता है, तो वो मैं हॉटस्पॉट यूज करता हूँ, हमारे यहाँ वोडाफोन के बहुत तगड़े से नेटवर्क आते हैं, तो यहाँ पे जस्ट हमने वो ये कनेक्ट करना पड़ता है, अभी लग जाएगा 2-4 दिन में ना वाईफाई यहाँ पे लग जाएगा, वो भाई भाई गोली दिया जा रहा है रोज के रोज, लगा दूंगा कल लगा दूंगा ये लगा दूंगा, तो भाई देखो कितनी जबरदस्त है, अभी मैं आपको कुछ यूट्यूब पर चला के दिखाता हूँ, ये आप देखना, अभी थोड़ा फोन से चलाने तो इतना फोन मतलब इतना फास्ट नेट नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है, देखो हाँ भाई कलर्स वगैरह और जो मतलब इसकी क्वालिटी है ना, ये भी वीडियो 720 में चल रही है, उसको 4K कर लेता हूँ, देखो चल जाए तो बढ़िया है भाई, तब तक आप इसका ये लो। बहुत भाई कह रहे थे कि ये जो गीगाबाइट का मदरबोर्ड है इसमें फूकने की बहुत समस्या रहती है, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मेरे को बड़ा दर्दसा हुआ यार, मतलब कितना डिफरेंस था इनमें सही और इसमें, 1000-2000 रुपए का उसने हमको चेप दिया बुड्ढे, सॉरी अंकल ने पर कोई नहीं भाई यार, अब गलतियों से सीखते हैं, जिस दिन फूक जाएगा उस दिन इसकी वारंटी क्लेम करूंगा और सब भाइयों को बताऊंगा कि गीगाबाइट कोई मत लेना, अगर मेरे साथ फूक गया तो मैं गीगाबाइट वालों को देख लूंगा, चल जाए यार। ओहो सर्कल ये देखो भाई, गॉड क्या क्वालिटी है भाई साहब, मतलब देख रहे हो कितना क्लीन सेटअप है, ये क्लीन अभी और होगा, भी क्लीन और होगा, सुनना एक बढ़िया सा वो डिजाइन कर दियो टेबल अभी इसमें, ठीक है जो हमको बनवानी है उसमें साइज वाइज लिख के पूरा वो सारा बना दियो। ये देखो भाई ऐसे मैं काम करता हूँ, देखो मैं क्या बढ़िया कंटेंट देख रहा हूँ यूट्यूब पे, ये देखो भाई, और भाई मतलब बड़ा मतलब देखो चेयर कितनी कंफर्टेबल है, और मतलब ऐसा ऑफिस बना के यार ऐसा सेटअप पे काम करने का ना मजा ही कुछ हो रहा है भाई, प्रोफेशनली एकदम से इतना एम्बियंस इतना अच्छा रहे, ऊपर एसी चलता रहे, साइड में बैठो थक जाओ सो जाओ, काफी अच्छा सा लगता है। अभी इसमें और अपडेट आएंगे और मैं आपको मैकबुक के साथ भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा आने वाले वीडियोज में, मेरा मैं मतलब मैक पे ज्यादा काम करता हूँ अपने उस पर लैपटॉप पे, क्योंकि अभी उस पर हाथ जमा हुआ है पूरा, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ठीक जाऊंगा, यहाँ पे रहता है वो तो यहाँ पे भी मैं काम करता रहता हूँ, प्लस HDMI से उसको भी कनेक्ट कर देता हूँ तो उसका पूरा व्यू यहाँ पे आ जाता है, तो उसमें काम करने में अलग ही लेवल का मजा आता है। तो यही था भाई अपना छोटा सा सेटअप, थोड़ा सा ऐसा नया नया करा है, धीरे धीरे सीखेंगे इसके बारे में भी कंप्यूटर लाइन में कि भाई कैसा क्या बेटर है क्या नहीं है,
सभी भाई धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन्होंने बोला है और ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे साथ में। और आप इस चैनल पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मतलब व्लॉग्स पे इतने अच्छा हमारे को व्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे। चलो भाइयों, वीडियो देखने के बाद थैंक यू सो मच।